नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश। आप देख रहे हैं हिट्स ब्लॉग्स। हिट्स ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये ट्राइपॉड डिजिटेक का है। इसी की हम लोग चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो में। इसका मॉडल DTR 200 MT करके है। दोस्तों, इसे मैंने अमेजोन से परचेज किया है और इसका प्राइस 400 है। हालाँकि इसका प्राइस वेरिएशन आपको अमेजोन पर देखने मिलेगा। कई बार आपको 349 भी देखने मिलेगा, कई बार आपको 399 भी देखने मिलेगा। तो इस तरीके से प्राइस वेरिएशन होते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप कंटेंट क्रिएटर है या ब्लॉगर है या प्रोडक्टिविटी करते हैं और बजट सेगमेंट में एक ट्राइपॉड ढूंढ रहे हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, ये पोर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाइट वेट है। इसके वजह से इसे कैरी करना बड़ा आसान हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे और बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये डब्बा है, आप देख सकते हैं। हालांकि इसे मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर रखा था। बॉक्स कंटेंट में हमें सिर्फ ट्राइपॉड मिलता है और मोबाइल होल्डर मिलता है। और दोस्तों, अमेज़ॉन की तरफ से ये हमें बहुत ही अच्छे कंडीशन में मिला था, तो इसकी ज़रूर तारीफ़ करनी पड़ेगी। दोस्तों, कुछ फीचर्स की भी बात कर ही लेते हैं। जैसे कि ये बॉल हेड विद 1x4 इंच स्क्रू कनेक्टर है, एंटी स्किड रबर फिट है, पुश बटन है विथ 5 सेगमेंट, दोस्तों 3 लेग बेस है और अप टू 1 kg मैक्सिमम लोड है। दोस्तों, इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग हाइट 200 mm है, यानी कि 7.87 इंच का है। मिनिमम ऑपरेटिंग हाइट 130 mm है, यानी कि 5.11 इंच का है। दोस्तों, इसका फोल्डेड हाइट 215 mm है, यानी कि 8.46 इंच है। दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको कि इसका वेट काफ़ी कम है। ये 141 ग्राम्स का ही है, जिसके मदद से अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आप अच्छे से वीडियो शूट कर पाएंगे दोस्तों, और इसे कैरी करना बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप ब्लॉगर हैं तो। दोस्तों, रबर फिट होने की वजह से अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो बहुत ही स्टेबल वीडियो आपको देखने मिलेगा। तो ये कुछ मेजर हाईलाइट्स है दोस्तों। दोस्तों, ये मिनी ट्राइपॉड आइडियल है स्मार्टफोन्स के लिए, गोप्रो के लिए, DSLR के लिए या किसी भी कॉम्पैक्ट कैमराज के लिए। इजाज़त दीजिए, इस वाले वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।